आज हम देखिए जिंदा और रेहू मछली बनाने जा रहे हैं। तो देखिए मछली कितना अच्छा एकदम ताजा है और बहुत टेस्टी लगता है। रेहू मछली आप जानवे करते हैं। धो करके मछली को रेडी कर लिए हैं। तो मछली का पीस देखिए किस तरह से हम बनाए हैं। मछली में नमक हल्दी पूरा मिक्स कर लिए हैं। अब कढ़ाई को गर्म होने के लिए हम चढ़ाएंगे और देखते जाइएगा मछली का फ्राई किस तरह से करते हैं। देखते जाइए। अब मछली फ्राई होने के लिए हम देंगे, तेल गर्म हो गया है। अब एक 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 पीस करके डालते जाएंगे। और इसी प्रकार से कम कम पीस करके फ्राई करेंगे ना, तो एक भी पीस टूटेगा नहीं। हम जिस तरह से बनाना चाहते हैं उसी तरह से होगा। देखिए फ्राई अच्छे तरह से हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए गाइस कितना अच्छा एकदम फ्राई हुआ है। और इसमें रेहू मछली में कांटा बहुत होता है और छोटा मछली है, बिल्कुल एकदम नाना नाना कांटा है, एकदम छोटा छोटा पतला पतला। और अच्छे से फ्राई करने के बाद कांटा जल जाता है तो खाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए इसी तरह सारे मछली को फ्राई कर लेंगे। अच्छे से हम फ्राई कर लिए हैं। देखिए बिल्कुल एकदम एक भी मछली नहीं टूटा है, एकदम देखिए कितना सुंदर। और ऐसे भी आप खा सकते हैं, नमक हल्दी लगा हुआ है, फ्राई किया हुआ भी मछली खा सकते हैं, बहुत टेस्टी और जिंदा मछली है। और मसाला भी सब ले लिए हैं, सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। और उधर कढ़ाई भी गर्म तो आइए है। अब डाल देना है मसाले को। मसाला को बिल्कुल अच्छे तरह से भून लेंगे, एकदम लाल हो जाएगा, तब फिर इसमें पानी डालेंगे। तो देखते जाइए मसाला देखिए अच्छा से एकदम लाल हो गया है, एकदम अच्छे तरह से। अब इसमें पानी डाल देंगे। रस जितना जरूरत है, जरूरत के अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे। रस हम जितना इतना पानी डाले हैं, जितना जरूरत है उतना पानी डाल दिए हैं। और अब इसमें मछली जो फ्राई करके रखे हैं एक एक पीस करके डालते जाएंगे। इसी प्रकार से सारे मछली को इसमें दे देंगे। मछली एकदम छोटा। देखिए इसी प्रकार से सारे मछली को अब रस में डाल दिए हैं। और थोड़ा देर इसको खदकने देंगे, जो उबलना कहते हैं, जो मछली में रस भींग जाए उसके बाद फिर हो जाएगा तो उतार देंगे। वही 5 मिनट और लगेगा इसमें। तो फाइनली अब मछली बन करके रेडी हो गया है। इसी तरह से मछली को हम बना लेना है। देखिए बहुत अच्छा मछली बना है। और फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।